नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले नई दिल्ली में अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए प्रचार समाप्त हुआ। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के छठे आम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 90.23% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से हो रहा है। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। सेरावीक द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंडिया बिलीव्स दैट एक्सेस टू एनर्जी मस्ट बी एफोर्डेबल एंड रिलायबल, दैट इज व्हेन सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। वी व्यू द एनर्जी सेक्टर एज वन दैट एम्पावर्स पीपल एंड फर्दर इज ऑफ लिविंग। श्री मोदी ने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योगों के अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि भारत घरेलू उड्डयन सेवा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकास करने वाला उड्डयन बाजार है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। In terms of domestic aviation, Indian carriers are projected to increase their fleet size from 600 to 1200 by 2024. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में सबसे सक्रिय राष्ट्रों में से है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा योजनाएं ऊर्जा के अनुकूल हैं और वो सतत लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करती हैं। This year has been challenging for the energy sector. Energy demand fell by almost 1/3. There has been price instability. Leading global bodies project that there will be a contraction in global energy demand over the next few years also. But these agencies project India to emerge as a leading energy consumer. इंडिया इज सेट टू नियरली डबल इट्स एनर्जी कंजम्पशन ओवर द लॉन्ग टर्म। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करता है और हम विश्व को दिए वचन को निभाने में लगे हुए हैं। इंडिया विल ऑलवेज वर्क कीपिंग इन माइंड ग्लोबल गुड। वी आर वेल ऑन ट्रैक टू मीट द कमिटमेंट वी मेड टू द ग्लोबल कम्युनिटी। We had aimed to increase the renewable energy installed capacity by 175 gigawatt by 2022. We have further extended this goal to 450 gigawatt by 2030. India had one of the lowest carbon emissions than the rest of the industrialized world. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शोधन क्षमता 2025 तक 250 से 400 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के साथ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में 1,10,00,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एलईडी में बदला गया है। इससे लगभग 60 अरब यूनिट प्रतिवर्ष की बिजली बचत हुई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से 4.5 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत भी हुई है। भारत और अमरीका के बीच कल होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी आज की बातचीत लाभदायक रही और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत से भारत अमरीका रक्षा संबंधों और आपसी सहयोग को नई ऊर्जा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ बैठक करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर दो दिन की भारत यात्रा पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। श्री राजनाथ सिंह और डॉ जयशंकर उनके सम्मान में रात्रि भोज भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और अमरीका के बीच कल तीसरी वार्षिक मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता होगी। भारत और अमरीका के बीच कल होने वाली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता दोनों ही देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर सहयोग को और मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर भी विचार साझा करेंगे। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में दोनों ही देश गहरी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और पूरक रहे हैं। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा, विमानन, विज्ञान, अंतरिक्ष, रक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सहित अन्य कई विषयों पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और सहयोग के नए करार हुए हैं। महज 2 वर्षों के अंतराल में होने वाला यह तीसरा मंत्री स्तरीय संवाद दोनों ही देशों द्वारा साझा राजनयिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। सेक्रेटरी पोम्पियो और मार्क एस्पर 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के बाद कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ही राजनेता कल सुबह राजधानी में राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलनबर्ग, वहां की सरकार और देशवासियों को राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को वे महत्व देते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। यहां बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई सीटें नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इस चरण में 2,14,00,000 मतदाता 1,066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। गया जिले में सबसे अधिक 29,49,000 मतदाता हैं, जो 10 सीटों पर 172 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 35, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विकासशील इंसान पार्टी का एक उम्मीदवार मैदान में है। दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के 42 उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन के अन्य दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी लेनिनवादी के 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने कई बागी नेताओं को भी टिकट दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण के प्रचार में बेरोजगारी और विकास मुख्य मुद्दा रहे। पहले चरण में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां की। दोनों नेताओं के संबोधन में कृषि सुधार कानून, खेती किसानी के मुद्दे, भ्रष्टाचार और मौजूदा सरकार के शासन की बातें छाई रहीं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले चरण में एक दिन में कई सभाओं को संबोधित किया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने का प्रयास किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
कर्नाटक में भी राज्य विधान परिषद की 4 और विधानसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। विधान परिषद सीटों के लिए 28 अक्टूबर और विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आज बेंगलुरु में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत और कौशल भारत जैसी पहलों से शिक्षा और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा से गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इस बीच विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने उत्तर कर्नाटक के जिलों में बाढ़ और राहत के उपायों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए जिनकी हाल ही की भीषण बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह स्थित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के 6 आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नुब्रा क्षेत्र में शानदार जीत हासिल की है। अब तक घोषित 15 परिणामों में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। भाजपा के उम्मीदवार नुब्रा क्षेत्र में दिस्कित, चुरतुक, तेगर, पानमिक और हुंदार निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी घोषित हुए। इसके अलावा भाजपा को तांग से, कोरजोक, मत्सेलॉग, क्यूंग्याम और थिक्से में भी जीत मिली है। कांग्रेस के उम्मीदवार ईगू और सक्ती निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार चुशूल और न्यूमा सीट जीतने में सफल रहे। कुल घोषित 26 परिणामों में से भाजपा ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर कांग्रेस और 2 अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अरे भाई सुना तुमने, अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800112526 पर कॉल करें। ये आकाशवाणी है। देश ने COVID-19 से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोविड से अब तक 71 लाख से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से भी अधिक है। उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 11 गुना अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या लगभग 45,000 है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,53,000 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 8% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 480 मौतें हुई हैं, इनमें से 80% मौत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,39,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसे मिलाकर देश में अब तक लगभग 10,35,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। इस समय देश में कोविड नमूनों की जांच करने वाली 2,000 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। मध्य प्रदेश में COVID-19 का फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,237 है। ठीक होने वालों की संख्या 1,53,000 से अधिक है। राज्य सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई एहतियाती उपाय किए हैं। बिहार में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.69% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 4.69% अधिक है। राज्य में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इस समय 10,229 कोरोना रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 2 लाख से अधिक रोगी अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बिहार में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोविड जांच की जा रही हैं। महाराष्ट्र में निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना परीक्षणों की दरों में बदलाव किया गया है और दरें 200 रूपये तक कम कर दी गई हैं।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज ये घोषणा की। श्री टोपे ने बताया कि राज्य में कोविड जांच कराने वालों की संख्या बढ़ाने और आम लोगों को समय पर इलाज के लिए अधिक राहत देने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी के मन में न केवल कोविड संक्रमण का डर होता है बल्कि इसके जांच के लिए निजी लैब द्वारा लिए जाने वाले ज्यादा शुल्क के कारण जांच टालने की कोशिश की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्ट का मूल्य कम करने में और टेस्ट की संख्या बढ़ाने में जुटी है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग जांच के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी तथा अपने संपर्क में आए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस टेस्ट के दर अब और 200 रूपये से घटाने के कारण लैब में की जाने वाली टेस्ट का दर अब 980 रूपये होगा। वहीं कोविड सेंटर, अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर में किए जाने वाले टेस्ट का दर 1400 रूपये और घर जाकर नमूने लेकर की जाने वाली जांच के लिए ये दर 1800 रूपये निश्चित किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार हमेशा आम आदमी को ध्यान में रखते हुए जांच और इलाज का खर्च कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जिलाधिकारी तथा नगर निगम के आयुक्तों को निजी लैब में नए दरों के अमल पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कोरोना ग्रस्त हो गए हैं। श्री पवार ने ट्विटर पर बताया कि कोरोना होने के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने बताया कि वे दक्षिण मुंबई के बीच क्रांडी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। गुजरात में 100 दिन के बाद पहली बार 1000 से कम कोविड 19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 919 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मृतकों की संख्या में काफी कमी आई है। गुजरात में संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी हो रही है। अब पिछले 100 दिनों में पहली बार रोजाना सामने आ रही संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 के नीचे चली गई है। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर भी 89.46% तक पहुंच गई है। ज्यादा से ज्यादा मरीजों के ठीक होने के साथ राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। इस वक्त गुजरात में कुल 13,936 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से अधिकतर मरीजों की स्थिति स्थिर है। इस बीच गांधीनगर में सुप्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार आज से फिर खोल दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि कोरोना महामारी हम सबके लिए एक चुनौती है, लेकिन सावधानियों का पालन करते हुए हम इस संक्रमण को हरा सकते हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए श्री बोनी कपूर ने कहा कि आगामी त्योहारों के समय हमें और अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। हम कोरोना पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, इसे कोविड 19 भी कहते हैं, और अब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। इसमें हमें होशियार रहना है और अलर्ट रहना है, बार बार हाथ धोना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को, घर को, ऑफिस को, जहां जहां हम उठते बैठते हैं उसको सैनिटाइज करना है। हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क जरूर पहनना है। साथ मिलके हमें कोरोना को हराना है और हम हरा के छोड़ेंगे कोरोना को, साथ मिलके हम जरूर हराएंगे। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने सुरक्षा उपायों की अवहेलना के कारण त्योहारों के दौरान गंभीर स्थितियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी। कि आप सोशली कनेक्टेड रहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। दूसरा, जब वायरल देखेंगे बहुत ज्यादा फैलती है जब ये विंटर आती है, तो ये भी वायरस है तो विंटर में उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे शहरों में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में स्मॉग हो जाती है, तो इट मीन्स वायरस की कंसेंट्रेशन भी हमारे अराउंड बढ़ जाती है। तो यदि ये हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो फेस्टिवल हमारे हैं जो हमारे को खुशी का संदेश देते हैं, दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा न हो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप newsonair से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले नई दिल्ली में अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए प्रचार समाप्त हुआ। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के छठे आम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 90.23% हुई और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना इस वर्ष 1 जून को कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार खो चुके गरीब स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए शुरू की गई थी। अब तक 24 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन दिए हैं तथा उनमें से 12 लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। लगभग 5,35,000 रूपये के ऋण भी बांटे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत आए 6 लाख से अधिक आवेदनों में से 3,27,000 आवेदन स्वीकृत किए गए और 1,87,000 रूपये के ऋण बांटे गए। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बातचीत को राज्य भर के लाभार्थी देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 26 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसी दिन तत्कालीन रियासत के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य बन गया था। केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद इस वर्ष पहली बार आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में टैगोर हॉल में आयोजित किया गया। महाराजा हरि सिंह, भारत माता और मकबूल शेरवानी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी महासचिव और कश्मीर के प्रभारी विबोध गुप्ता तथा भाजपा उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर श्री विबोध गुप्ता ने कहा कि कश्मीर के लोगों की तिरंगा रैली में भागीदारी राष्ट्र विरोधी ताकतों को करारा जवाब है। श्री सोफी यूसुफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति और समृद्ध अभियान में घाटी के लोगों के शामिल होने पर गर्व हो रहा है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने विलय दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूरे जम्मू में तिरंगा झंडा फहराने के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यक्रमों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय ध्वज पर महबूबा मुफ्ती के वक्तव्य की निंदा करते हुए कहा है कि तिरंगे का अपमान बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि तिरंगा भारत का गौरव और पहचान है। अपनी टिप्पणी में पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल होने के बाद ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाने के एक बड़े कदम के तौर पर हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस थानों की स्थापना करने का फैसला किया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामलों को स्वतंत्र ढंग से दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को पुलिस थानों के तौर पर स्थापित करेगी, जो कि मामलों को दर्ज करने के साथ ही उनकी तहकीकात भी करेंगी। इससे पहले राज्य में सिर्फ 35 जिलों में ही मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के पुलिस थाने थे, जो 2011 और 2018 में बनाए गए थे। ये नए पुलिस थाने केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों पर स्थापित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने इनकी स्थापना के लिए धन भी आवंटित किया है। अब तक मानव तस्करी से जुड़े किसी भी मामले में मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा जिले के कैंट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस उसकी तहकीकात करती थी। हाल ही में कुछ मामलों में इस जांच को मानव तस्करी रोधी इकाइयों को भी सौंपा जाने लगा। पूरी तरह से पुलिस थानों के रूप में स्थापित हो जाने के बाद अब मानव तस्करी विरोधी इकाइयां अपने सभी फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी, जिससे तेज और निर्बाध अंतर्राज्य और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात उपलब्ध होगा। इनसे विभिन्न पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के लिए बेहतर संपर्क, तेज और सुरक्षित यातायात सुविधा से राज्य में पर्यटन क्षेत्र मजबूत होगा। इन राजमार्गों से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे और क्षेत्र के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार की जल परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के ठाणे में लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना है कि अगर यह सेवा नियमित हो जाती है तो इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल वे व्यक्ति जो आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं उनको मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय लोकल ट्रेनों के माध्यम से आवागमन करने की अनुमति दी गई है। ऐसे लोगों के मामले में जो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें अपने निकटतम स्थान पर भी अपने कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ठाणे और भिवंडी में काम करने वाले लोगों ने समय पर अपने कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए जल परिवहन का उपयोग करने का निर्णय लिया। डोंबिवली के मोथा गांव रेती बंदर से नाव की सवारी लेते हुए यह यात्री 10 से 15 मिनट में ठाणे में रहने मनकोली रेती बंदर तक पहुंच जाते हैं, जो केवल 10 से 20 रुपए खर्च करके अपने कीमती 2 घंटे भी बचाते हैं। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 1999 के झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन 2 वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बैनर्जी और नित्यानंद गौतम और एक निजी कंपनी के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय शारजाह में किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 11वें ओवर में 4 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। पंजाब के कुल 11 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं और वो अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर 6 जीत के साथ कोलकाता के 12 अंक है और वो 4थे स्थान पर है। आज का मैच प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिहाज से दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध छाई रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में धुंध छाई रह सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। लेह में आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे तथा अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम 14 डिग्री जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने 4थे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले नई दिल्ली में अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए प्रचार समाप्त हुआ। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के 6ठे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत।
कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की दर 90.23% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में शारजहां में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से हो रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।